ए क्या रे, हीरो है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपुन किधर हीरो? अपुन तो बस आपका आशीर्वाद लेने आए। चल बहुत हो गया, आप कल्टी का चल। कल्टी तो अपुन खा लेगा, पर अपुन का पैसा कौन देगा? क्या बोला, पैसे? मजाक कर रहे क्या? छी, अपुन जोकर के साथ कैसे मजाक कर सकता है? जिसको फोड़ना है फोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कैरम बोर्ड तोड़ा वो 1,500 का था। बोरिक पाउडर 25 रुपए, स्ट्राइकर 150 रुपए, गोटी 300 रुपए, भंगार वाली बाइक का साइलेंसर, 8-10 का स्पैनर, एक स्क्रू ड्राइवर, सबको जोड़ा तो कुल मिला के होता है 3,005 रुपया। बस इतना पैसा दे दे और इसे ले जा। लाइव मर्डर देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। माचिस है? ये पान बीड़ी की दुकान नहीं है, ये टच नहीं करने का। क्या तू यमराज को जानता है? कौन है वो? माचिस देने आएगा या मार्केट में माचिस बेचता है? दुकान छोड़कर वो मेरी सिगरेट जलाने क्यों आएगा? भाई तुम सुने जा रहे, कुछ कर नहीं रहे, मारो साले को। बोलने का नहीं, करने का। आप नीची अमराज है, समझाना? निकाल पैसा। फिर उठेगा। शराफत से पहले ही पैसा दे दिया होता ना तो तेरा अस्पताल का खर्चा बच जाता। जनाब अलकट। सर मैं जानता हूँ, इस मर्डर के पीछे उस यमराज का ही हाथ है। शहर में जितने काले धंधे और गलत काम होते हैं सर, वही करवाता है। मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है सर। उसके बारे में और क्या क्या जानते हो तुम? एक बात मैं आपको और बता दूं, उसका अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन है सर। पिछले हफ्ते ही वो दुबई गया था। उसके पासपोर्ट और वीजा की सारी डिटेल है हमारे पास, ये देखिए। उसे सजा दिलाने के लिए इतने सबूत काफी है। इन सभी बातों का खुलासा पब्लिक के सामने फौरन करना होगा। एज अ मीडिया पर्सन ये मेरा फर्ज है, इसलिए आज न्यूज में यही बात होगी। ये आसान नहीं है सर, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। नो, वी आर डूइंग इट सर, आज ही। ओके सर। नमस्कार। जो हमारे देश की राजनीति में नेताओं की किस्मत तय करता है, जो मौत के फैसले सुनाता है, जिसने शहर को नशे और गुंडों का गुलाम बना रखा है, आज पहचानिए उस इंसान को। यमराज, ऑन ऑन ऑन, सारे कैमरे चालू रखो, टेलीकास्ट बंद मत करना। भगवान बुद्धि दे इसको। मैं हूं यमराज, ये जिसकी तारीफ कर रहा था वो मैं हूं। रिकॉर्ड करो, उन्हें पता तो चले कि वो डॉन है कौन। वो मैं हूं, पॉलिटिशियन, पुलिस, बदमाश, चकले, बिजनेस, ये सब के सब सिर्फ मेरे इशारे पर चलते हैं, मेरे इशारे पर। क्यों, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ दिखाओ।
जो अभी मैंने कहा ये वाली रिकॉर्डिंग दिखाओ। हिम्मत है तो ये टेलीकास्ट करो। अगर इस न्यूज को तुम लोगों ने टेलीकास्ट किया तो इसके खत्म होने से पहले पहले तेरे चैनल के तबाह होने की खबर बाकी सारे चैनल्स पर होगी। अब दिखा दिखा। नो, ये न्यूज टेलीकास्ट नहीं होगी। यही यही चाहता है यमराज। जो भी यमराज से टकराता है चाहे वो कोई भी हो धूल में मिल जाता है। जो चैनल के कैमरों के सामने मुझे धमकी दे रहा है ये वो नहीं बोल रहा। इसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, थर्टी फर्स्ट नाइट को ये पैसे की बर्बादी अब उनको समझ में नहीं आती। ये साले पीते कम है उड़ाते ज्यादा हैं। और एक हम है जो ऐसे मौके पर पीने के लिए तरस जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनके घर के कुत्ते होते तो उनकी तरह ही मुफ्त की उड़ाते। डर मत जाना। नहीं यार, डर लग रहा है। वो देख, फैमिली को देख के रोमियो डर गया। मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। और क्या, टपोरियों की तरफ देखती भी नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। गिफ्ट खरीदा ही क्यों, जाना दे दे। ठीक है। और इसकी शादी जिस लड़के से होगी उसके भाग खुल जाएंगे। अरे अरे अरे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है। आपको कैसे पता? एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से जबान लड़ाता है। जाहिल लोग हैं, कोई भोली भाली शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर देते हैं। अरे हमारी इतनी सीधी सादी लड़की को ये आवारा लड़के बिगाड़ रहे हैं। इसमें भला मेरी बेटी का क्या दोष है, है? तो घूर क्यों रहा है? ये बहुत छोटी है अभी, इस तरह घूरते तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर वालों को तेरे पे बहुत भरोसा है। उनका गुस्सा देख के अपन ने फील किया, वो तेरे को बहुत प्यार करते हैं। विश्वास मत तोड़ना। हर किसी के नसीब में फैमिली नहीं होती। मेरी बेटी से बात क्यों कर रहा है? आंटी ने इज्जत का फालूदा कर दिया और तूने कुछ बोला भी नहीं। भगवान करे इसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाए। अरे ये लाइट कैसे चली गई? भगवान ने उनकी सुन ली, उनके श्राप देते ही यहाँ लाइट चली गई। भगवान अपनी क्यों नहीं सुनता यार? विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। नए साल के पहले मिनट में मैं तुमसे मिली हूँ, इसी बात पे चॉकलेट खाओ। एक मिनट, तुमने कहा अच्छा होगा, किसके साथ? हमारे साथ। यानी कि तुम और मैं? हाँ, तुम और मैं और बाकी सब लोग। सॉरी, मैंने गलतफहमी में तुम्हें डांट दिया। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। कौन थी वो लड़की? उसने कहा और आदमी ने आकर तुझे सॉरी बोल दिया? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। अरे राजा, कैसे हो बेटा? नहीं नहीं, आओ आओ, बैठो बैठो। आज कैसे आए? बैठो बैठो। भाड़ा तो कल भिजवा दिया था ना? अरे उसके लिए नहीं आया हूँ, मई के महीने में मेरी बेटी की शादी है ना। क्या, हमारी निमो की? फिकर नॉट, शादी धूमधाम से करेंगे। मालिक की बेटी की शादी है, जश्न तो बनता है बॉस। जश्न कैसे करोगे, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। ना तो प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक बैलेंस, बस ले दे के एक इलीगल जगह है। अगर इसको बेचा तो 20 लाख मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग यहाँ रहते हो तो मैं तुम्हें खाली करने को कैसे कह सकता हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। तुमने कहा था सब अच्छा होगा, यहाँ तो साल के पहले दिन ही रास्ते पर आ रहा हूँ। अब उधर क्या देख रहे हो? एक काम करो, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, तुम मुझे 1.5 लाख दे दो और दुकान तुम्हारे नाम। कितना दे दो? 1.5 लाख रुपए? मामू समझे लाएगा, कागज पर भी इतनी रकम नहीं लिखी। जाओ किसी और से पूछो। ये क्या कह रहे हो? अरे जाओ ना सेठ। तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी।
ये अचानक इसे क्या हो गया? अब बेटे की शादी के लिए तो करना ही पड़ेगा उसको। इधर दीवारी के अरे कीट से कितनी यादें जुड़ी ली अपनी। इस पर तो सिगरेट मत झाड़। इस बाइक का कितना पैसा मिल जाएगा? बाइक बेचना चाहता है। खरीदने वाला बुड्ढा हो जाएगा पर इसे चला नहीं पाएगा, समझा? ये हवाई जहाज है, इसे चलाना किसी के बस की बात नहीं है। आरसी बुक है क्या? हाँ वो तो है। गिरवी रख दे, 75,000 मिल जाएंगे, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। वाह, ये संभालेगा? अंबानी के खानदान से है भाई, और ये विजय माल्या का भतीजा, इसकी तो छोड़ ही दो, शायद टाटा इसका मामा होगा। फालतू बात है ये। इमोशनल मत हो, ये सोना हम तुझे गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, पैसे आने के बाद लौटा देना। वैसे भी हम सोना खरीदते किस लिए? बुरे वक्त में काम आने के लिए ना। तूने बिल्कुल सही कहा था। तुझे कैसे पता चला? कल तक रास्ते की धूल था और आज ओनर हूं। अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? खुश रहो, मस्त रहो राजा। हाँ, तुम्हारा गाड़ी कल तक ठीक हो जाएगा। गाड़ी के लिए नहीं, यहाँ आओ। क्या है आर्टिस्ट, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मेरे घर पर इन सब के साथ खाना खाने आओ। हमें बुला रहे हो? आज लक्ष्मी का जन्मदिन है, हम लोग पूजा करके आए तो सोचा परिवार के साथ बैठकर खाना खाया जाए, लेकिन यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं, तो हमने सोचा अपनी खुशी में तुम लोगों को शामिल कर लें। आओगे ना? तू भी ना। अरे ये लोग तो अपने घर में खाना खा लेते हैं, पर अपन के नसीब में घर का खाना नहीं है। जाओ लक्ष्मी को बोल दो मैं नहीं आऊंगा। साथ खाइए ना भैया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा साथ में खाते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा राजा? उसने ये कहा कि हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा तुम? साथ में खाइए ना भैया। पानी साफ तो है ना? गर्मा गर्म दीदी और दो ना। तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा क्या, जब त्योहार आता है तो टिफिन बॉक्स में सब लोग मिठाई खीर और बहुत कुछ अपन के लिए घर से जरूर लेकर आते हैं, पर किसी ने घर पर नहीं बुलाया। ये तो क्या बोल रहा है यार, इसमें इतना बुरा मत मान यार, ना तूने कभी बुलाया और ना ही अपन ने उम्मीद रखी। तुझे नहीं मालूम लाइफ में अपन फर्स्ट टाइम घर में बैठ कर खाना खा रहे हैं। थैंक्स आर्टिस्ट। ये किसी और का घर नहीं, तुम्हारा ही है। अच्छा, अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता तो उसके साथ नहीं खाते? ऐसे क्या देख रहे हो, खुश रहो मस्त रहो, साहब के साथ अच्छा होगा। आर्टिस्ट, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारा लव मैरिज है ना? हमारे बीच में लव हुआ था क्या? झूठ मत बोलो लक्ष्मी, लव हुआ होगा। सचमुच राजा, शादी से पहले मैं इनसे कभी नहीं मिली। सच कह रही है? सच है। जब मैं गांधीनगर वाले इसके घर में बैठा हुआ था तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह इसके घर में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अंधेरे में भी एक ही चीज चमक रही थी, वो था इसका चेहरा। तभी मैंने फैसला किया, यही मेरे लिए बनी है।